यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। जब सिदकियाह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिबनावासी यर्मयाह की बेटी थी, और उसने यहोयाकिम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकियाह ने बाबुल के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उनके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकियाह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। 4वें महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी से निकट था उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबुल के राजा ने सिदकियाह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबुल के राजा ने सिदकियाह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सन्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फूंकवा दिया और कश्तियों की सारी सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के संग थी यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को ढा दिया और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे उन सबको बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए और हांडियों फावड़ियों कैंचियों कटोरों धूपदानों निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे वे ले गए और तसल्लों करछों कटोरियों हांडियों दीवटों धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था उनके सोने को और जो कुछ चांदी का था उनकी चांदी को भी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे उन सबको सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था और इन सबका पीतल तौल से बाहर था। जो खंभे थे उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुली की थी और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों अंगनों पर
छियानवे अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों देवड़ीदारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे उनमें से 7 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सबको जल्लादों का प्रधान नबुजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबुखदनेजर बंधुआ करके ले गया सो ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबुखदनेजर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया, फिर नबुखदनेजर के राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबुजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया, सब प्राणी मिलकर 4600 हुए, फिर यहूदा के राजा यहोयाकिन की बंधुवाई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकिन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उसे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधे हुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबुल के राजा के यहां से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा।